तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही बना हुआ है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है कि एक चार्ज के आसपास एक ऐसी जगह, स्पेस, फील्ड, जगह, जहां पर कोई और चार्ज अगर रखा जाए तो दोनों चार्जेस आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकें। तो अगर वो कर सक रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इस केस में क्या वो किस में प्रेजेंट है चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जैसे कोई भी एक चार्ज है, मान लो आपके पास कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, आपके पास कोई क्यू चार्ज है और मुझे पता है इस Q के आसपास ये जगह जिसके बीच में अगर मैं कोई और चार्ज रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, कहीं भी रखूं, तो ये चार्ज इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंडिंग कि इनकी नेचर क्या है। तो कहीं भी रखो कोई भी चार्ज, तो ये चार्जेस आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो हम बोलते हैं कि ये जो क्यू डैश, क्यू डबल डैश, क्यू ट्रिपल डैश, ये जो चार्जेस हैं वो इस क्यू चार्ज के फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। और कौन से फील्ड में प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि ये क्यू चार्ज का इतना इन्फ्लुएंस है इस जगह में कि किसी भी और चार्ज या और पड़े हुए चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो ये इसके फील्ड में प्रेजेंट है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड जगह। अब जैसे ये एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड, अर्थ के आसपास ऐसी जगह जहाँ पर कोई आप पत्थर या कोई भी प्लैनेट या कुछ भी रखेंगे, कोई मास रखेंगे, तो अर्थ उसे खींच पाए, तो हम बोलते हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है या ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ? अर्थ के आसपास ऐसी स्पेस जहां पर कोई और मास रखा जाए तो अर्थ उसे खींच सकती है, तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट है। तो क्लियर है यहां तक? फील्ड तो ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर भी किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करेंगे? सपोज करो आपके पास कोई क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के आसपास ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, अगर आप कहोगे कि चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पड़ा हुआ है, तो ये क्यू चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा, ये फिर फील्ड से बाहर निकल गया। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अगर ये क्यू चार्ज इस फील्ड के, ये क्यू चार्ज का ये फील्ड है, और अगर मैं इस क्यू चार्ज से यहां पे कोई चार्ज रखता हूं क्यू डैश, नो डाउट इसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अगर मैं यहां पे रखता हूं तो नो डाउट अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, यहां पे रखता हूं जरूर करेगा, यहां पे रखता हूं तो नहीं करेगा, ऐसा ही है ना? तो ये चार्ज यहां पर इसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये चार्ज यहां पे इसे थोड़ी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, क्योंकि जितनी दूर जाओगे क्यू चार्ज से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी, ऐसे ही है ना? तो कम होती जाएगी, तो क्यू चार्ज से दूर जाते जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी और फिर एकदम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ऐसा ही है, कम 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 होते हुए खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस जगह के अंदर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको याद होगा तो ग्रेविटेशन के अंदर टर्म यूज करते थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई से शायद रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको याद हो, ई से, कई लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या ई है या आई है, कुछ ऐसे, राइट? तो इसको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो जितना चार्ज के पास रहेंगे स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग रहेगी, जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम 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 और फिर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हम बोलते नहीं, अर्थ के पास अगर आप हो तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है, ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग है, दूर जाते जा रहे हो ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होता जाता है, वीक होता जाता है, वीक, और फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी सेम है। तो क्यू चार्ज के जितनी पास रहोगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग रहेगी, दूर जाओगे तो वीक हो जाएगी, और दूर जाओगे वीक 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 होते होते क्या हो जाएगी? एकदम जीरो हो जाएगी। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?
तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक स्पेस है, एक जगह है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मतलब कि कितनी स्ट्रांगली कोई चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस जगह पर स्ट्रेंथ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो हर पॉइंट पर डिफर करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा कि स्ट्रांग है, वीक है, वीक है। अब मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं आपको ये बताऊं कि उसकी वीक स्ट्रांग की बजाय नंबर बताऊं कि एग्जैक्टली नंबर में वो वैल्यू है कितनी। अगर मैं कहता हूँ स्ट्रांग है तो कितनी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वीक है तो कितनी वीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये मुझे बताना है। हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ, जब यहाँ पे आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एकदम जीरो। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने का सिंबल क्या रहता है, ई। तो ई से क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। स्ट्रेंथ को फिजिक्स में इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, या कभी कभी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो जगह होती है, पर बुक्स बोलती हैं कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, फील्ड कितना है। अब फील्ड तो जगह होती है, पर चलता है, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अब ई बता देना मुझे कितना है, तो स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं। तो क्लियर है यहां तक। अब इसको मेजर करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है तो उसको मेजर करने का तरीका क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे अगर आपके पास कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है, इस क्यू चार्ज से दूर, आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको मेजर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो क्यू चार्ज से दूर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, आपको मेजर करना है। कोई डाउट इसमें, ठीक है, यहां तक करें स्टार्ट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कौन रहा है, कौन लगा रहा है, क्यू चार्ज लगा रहा है, ऑब्वियसली कोई तो फील्ड। अब अगर मैं कहूं यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। तो यहां पर फील्ड कौन लगा रहा है, क्यू लगा रहा है। हम किसका फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करने जा रहे हैं, क्यू की फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करने जा रहे हैं। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर बहुत स्ट्रांग है, क्या वो डिपेंड करता है कि मेरा मास कितना है, या इस पेन का मास कितना है, या आपका मास कितना है। नहीं, आपका मास ज्यादा होगा तो अर्थ फील्ड ज्यादा लगाएगी, आपका मास कम होगा तो फील्ड कम लगेगा। नहीं, आपके मास पे डिपेंड नहीं करता, अर्थ का फील्ड अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर में याद करो तो फॉर्मूला था फील्ड निकालने का, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर नहीं था, वो तो फोर्स होती है, जी एम बाय आर स्क्वायर मतलब जो फील्ड लगाता है, जो जैसे अर्थ फील्ड लगाती है, तो अर्थ के मास पे फील्ड डिपेंड करता है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, तो अर्थ बहुत दूर तक अपने फील्ड की स्ट्रेंथ को लगा सकती है। तो जहां पर हमने फील्ड निकालना है वहां पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि फील्ड किसका स्टडी किया जा रहा है, क्यू का। तो फील्ड के फॉर्मूले में, ई के फॉर्मूले में कौन अपना रोल प्ले करेगा, क्यू करेगा। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक। तो कैसे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा कि अगर मुझे यहां पर ई निकालना है तो मैं यहां पर इमेजिन करता हूं कि यहां पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, यहां पर इमेजिन करता हूं, पड़ा नहीं हुआ, जस्ट इमेजिन कर रहा हूं कि यहां पर चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है क्यू नॉट। ये क्यू नॉट एक इमेजिनरी इमेजिनरी टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब जो एक्सपेरिमेंट करने के काम आता है। कहीं आप कहोगे कि सर फिर तो ये बात होगी कि इसका फील्ड निकालूं कि इसका फील्ड निकालूं, किसका, ये फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी चार्ज है, इसका फील्ड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। फिर आप कहोगे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, फिर करेगा क्या, करना क्या फिर इसका हमने, मैं बताता हूं क्या करना है। तो ये इमेजिन करो कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू नॉट इमेजिनरी चार्ज है, कहां रखना है, जहां पर फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे फील्ड की वैल्यू यहां पे निकालनी है, तो मैंने यहां पर टेस्ट चार्ज रख लेना है। फिर क्या करना है टेस्ट चार्ज का, तो ई निकालने का तरीका, अगर आपको इस पॉइंट पे ई निकालना है, पहली बात ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स एक वेक्टर है, ई भी एक वेक्टर है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर, जो भी इन दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो क्यू नॉट पे फोर्स लगी, किसने लगाई, क्यू ने लगाई, इस फोर्स को इस टेस्ट चार्ज से क्या कर देना है, डिवाइड। तो फोर्स को चार्ज टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी। देखो कैसे, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है,
वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया कैंसल। तो आंसर क्या आएगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आपने एक चीज नोट की, मैंने कुछ टाइम के लिए क्यू नॉट लिया लेकिन उसको सिर्फ यूज किया और फिर ऑटोमेटिकली वो अपने फॉर्मूले से क्या हो गया हट गया। तो E की जो वैल्यू है, जो E की वैल्यू है, तो वो E की वैल्यू में कौन अपना रोल प्ले कर रहा है, सिर्फ चार्ज Q जिसने की फील्ड लगाया। किसने फील्ड लगाया, Q ने फील्ड लगाया। तो इस फॉर्मूले में, E के फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, आपने देखा। तो Q नॉट तो सिर्फ एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज है, इसका कोई लेना देना नहीं है इसकी वैल्यू से। तो E जहां पर भी निकालना है, रूल नंबर वन, जहां पर भी E निकालना है राइट, तो वहां पर जहां पर आपने E निकालना है तो वहां पर आपने टेस्ट चार्ज क्या इमेजिन करना है, Q नॉट। तो जैसे अगर Q चार्ज है, आपको R डिस्टेंस पे क्या निकालना है, E निकालना है, तो आप इमेजिन करेंगे, प्लीज इमेजिन करेंगे, है नहीं, एक टेस्ट चार्ज कितना Q नॉट। और फिर यहां पर E निकालने का तरीका क्या बताया, फोर्स को इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। और मैंने बताया कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर को टेस्ट चार्ज से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा E निकालने का। बहुत लोग कहते हैं यार फिर फायदा क्या हुआ, पहले क्यू नॉट ले लिया, फिर कहा नहीं नहीं वो तो इमेजिनरी है, फिर कहा कि नहीं नहीं वो E में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा, बाद में कहते कैंसिल करके कैंसिल। तो फिर लाना ऐसे ही बता देते हैं यार E का फॉर्मूला था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, हम समझ लेते हैं ठीक है ऐसे निकलता है। एक्चुअली कुछ इसका एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है, टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं, क्योंकि E जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स नहीं है, वो क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। डेफिनेशन ऑफ E जो है, E की जो डेफिनेशन है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसलिए टेस्ट चार्ज का लगना जरूरी है, क्योंकि मैं इसको फोर्स नहीं बोल सकता ना, इसको क्या बोलना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसके यूनिट्स क्या होंगे, E के फोर्स का क्या होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अब आप कहोगे ये कॉम्प्लिकेटेड है, अब मेरे को पसंद नहीं आया, क्यू नॉट लो क्यू नॉट से डिवाइड करो, क्यू नॉट लो क्यू नॉट से डिवाइड करो, छोड़ो एक नया तरीका सीखते हैं। ये तो सिर्फ बाय डेफिनेशन किताबी लैंग्वेज है, ये मैं आपको एक नई डेफिनेशन सिखाता हूँ जो मैं यूज करूंगा पूरे चैप्टर में, बहुत आसान है और हर कोई वही यूज करेगा मुझे इतना मालूम है। क्या हम क्या करेंगे, अगर ये क्यू चार्ज है ना और मुझे आर डिस्टेंस दूर यहां पर अगर मुझे ई निकालना है तो मैं क्यू नॉट ही लूंगा, मैं टेस्ट चार्ज पता है क्या लूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं क्यू नॉट इमेजिनरी चार्ज क्यू नॉट ही लूंगा, मैं क्या लूंगा प्लस वन, जहां भी ई निकालना है वहां चार्ज क्या एज्यूम कर लूंगा प्लस वन। मुझे क्यू नॉट तो कर ही रहे थे, मेरे कहे पे प्लस वन करके देख लो, तो प्लस वन। बस ये बता दो इस क्यू ने इस प्लस वन को कितनी फोर्स लगाई, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, हाँ बस यही फॉर्मूला है E का मेरे ख्याल से, डन हो गया, डन कुछ करना ही नहीं है यार, क्यू नॉट लाके क्यू नॉट काटने से अच्छा यार वहां प्लस वन ही रख दो। तो प्लस वन ने कितनी फोर्स लगाई, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि प्लस वन रखने का ये मोटिव है कि क्योंकि E के फॉर्मूले में क्यू ही आना चाहिए, यहां का चार्ज आएगा ही नहीं। फिर आप कहोगे कि प्लस वन ही क्यों, कुछ और चीज क्यों नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ ये मेरे माइंड में प्लस वन आया तो आया कैसे। देखो प्लस वन ऐसे आया, आप मुझे एक बात बताओ कि जो अगर मैंने ये डायग्राम लिया था क्यू और क्यू नॉट वाला अगर आपको याद हो, और मैंने यहाँ पर E की वैल्यू जब निकालनी थी इस पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पर, तो मैंने अभी क्या किया था, मैंने ये कहा था कि इनके बीच में जो फोर्स है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। ये फोर्स किस पे लगी, क्यू नॉट पे लगी, क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लगी, इतनी फोर्स लगी। अगर Q नॉट की जगह यूनिट चार्ज होता तो कितनी फोर्स लगती, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट बाय आर स्क्वायर को किससे डिवाइड करता,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे यही फोर्स लगती है ना, यूनिटरी मेथड लगाया कुछ भी नहीं किया, क्यू नॉट पे अगर ये फोर्स लगी तो क्यू नॉट की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो यही फोर्स लगती है ना, तो ये तो वही डेफिनेशन हो गई ना, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो एक ही बात है कि अगर ऐसे करना ऐसे कर लो कि अगर क्यू नॉट चार्ज है तो फोर्स क्या लगी एफ, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स क्या लगी एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो बेसिकली मैं पूरी डेफिनेशन से एक ही चीज सिखा रहा हूं आपको, बस एक लाइन आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब फोर्स नहीं है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है बस। क्या ये बात समझ में आती है? चाहे वो इस मेथड से आए, चाहे वो सीधा प्लस वन करके आए, कैसे भी आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डन। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से आपको सिर्फ तीन ही चीजें आनी चाहिए बस, जितना लेक्चर मैंने दिया सब भूल जाओ। पहली चीज ये आनी चाहिए, जितना मैंने दिया उसमें से तीन चीजें निकालेंगे, कि अगर ये क्यू चार्ज है और कोई मुझे कहे कि आर डिस्टेंस पे ई निकालो, तो मेथड नंबर वन मैं वहां पर इमेजिनरी चार्ज क्या लूंगा क्यू नॉट, तो मैं यहां पर फोर्स की जगह लूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर को क्यू नॉट से डिवाइड करके ये आंसर। कोई ये नहीं याद करना चाहता कोई बात नहीं, जैसे मेरी तरह मैंने नहीं याद किया हुआ ये, मैंने ऐसे किया हुआ है। अगर क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस पे मुझे ई निकालना है तो मैं क्या इमेजिन करूंगा वहां पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है प्लस वन, मुझे सबसे बढ़िया लगता है, क्यू नॉट का चक्कर ही नहीं है। तो मैं अपने मन में फोर्स निकाल दूंगा कि प्लस वन पे कितनी फोर्स लगी, ये फोर्स लगी, यही क्या होगा मेरा ई। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है ठीक है यहां तक? दो डेफिनेशन में से जो आपको पसंद है आप यूज करें, मेरे को ये पसंद है मैं ये यूज करूंगा। क्लियर है यहां तक? तो ई का यूनिट्स भी याद होने चाहिए, ई के यूनिट्स क्या होंगे बताओ? न्यूटन पर कूलम, बस ये तीन चीजें क्लियर है ठीक है यहां तक? बस इतना ही आना चाहिए आपको, और अगर कुछ भी नहीं पता ना, मुझे नहीं समझ में आया क्या हो रहा है, तो इतना तो पता लग रहा होगा भाई ई का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, चलो तब भी काम चल जाएगा। डन। तो इससे आसान क्या होगा? और ठीक हो गया यहां तक? अब पॉइंट ये है कि इसको यूज कैसे करना है और इसको इसको अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो इसके लिए काम करते हैं, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है यस। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी हैंड रिटन शीट नंबर, आपकी बुकलेट के अंदर शीट नंबर क्या है ये? 5। शीट नंबर 5 ऊपर एनसीईआरटी लिखा होगा, तो यानी कि ये लेक्चर आज फिर से एनसीईआरटी। देखो आपने देखा एक चीज, पहला लेक्चर एनसीईआरटी बी चैप्टर का, देखो ना कितना आसान लग रहा है, अरे फॉर्मूला ही तो है। फिर दूसरा लेक्चर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, आपको क्या हाँ ये भी ठीक लग रहा है, ओके ठीक है। फिर तीसरा लेक्चर थोड़ा सा एक लेवल ऑब्जेक्टिव, चौथा लेक्चर एक लेवल और ऑब्जेक्टिव, फिर वापस एनसीईआरटी। तो आपने फॉर्मेट देखा कि किस तरीके से इस तरीके से ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, तो हर चैप्टर के अंदर इस तरीके से आपका लेवल जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर इट इज डिफाइंड एज दी, क्या स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के आसपास एक स्पेस है, इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ड्यू टू अ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाई दी अदर चार्ज। तो उस स्पेस में कोई और चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस। तो डेफिनेशन बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है, कैसे रिप्रेजेंट करना है बाय वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर। ये अगर कोई पॉइंट चार्ज है, देखो मैंने बड़ी बॉडी बना दी वैसे, इट्स अ पॉइंट चार्ज, प्लीज कूलम लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ई का फॉर्मूला भी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ई का फॉर्मूला किसी बॉडी के लिए वैलिड नहीं है, तो ये पॉइंट चार्ज ही लेके चले प्लीज, मैंने बड़ा बना दिया। तो अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू और मुझे यहां पर ई निकालना है, तो पहला मेथड क्या सिखाया था कि यहां पर फॉर्मूला लगेगा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, लगा दिया। तो इसमें ई का फॉर्मूला जो एनसीईआरटी की किताब है वो लिखती है ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, लिमिट ये अगर आपको कैलकुलस याद हो पहला लेक्चर मेरा लिमिट डेल्टा एक्स कैलकुलस जिन्होंने यहाँ किया हुआ है, वहां मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, अभी एक लाइन में आपको बता दूंगा जो नहीं सुना हुआ, लिमिट फोर्स और क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट मैथ्स में, मैथ्स के टीचर आपको सिखाएंगे लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, मेरा सिर्फ ये बताने का मतलब होता है कि जब ये क्यू नॉट की लिमिट
जीरो अप्रोच, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो. मैथ्स में इसका मतलब होता है इट इज अ पॉइंट चार्ज. क्यू नॉट की वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल, अप्रोचिंग टू जीरो. क्यू नॉट डैश जीरो का मतलब ऑलमोस्ट ना बराबर, ना नहीं, जीरो नहीं बोलना, 0.0001. क्यों? ताकि ये अपना कोई फील्ड ना लगाए, क्योंकि हम किसका फील्ड स्टडी कर रहे हैं, क्यू का. अगर क्यू नॉट हम बड़ा ले लेंगे तो फिर ये अपना फील्ड भी लगाएगा, फिर इसका फील्ड में गड़बड़ हो जाएगी स्टडी करने में. तो इसलिए क्यू नॉट को क्या रखना पड़ता है, बहुत 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 छोटा. तो मैथ्स में क्या लिखा जाता है कि फोर्स अपॉन चार्ज वेयर लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू सी. ये टर्म, ये तरीका है लिखने का मैथ्स वर्क का, क्लियर है? बस पता ही होना चाहिए, इतना यूज नहीं होता. सो लिख भी दिया वैसे, क्यू नॉट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन ई वेक्टर. यूनिट्स क्या है ई के? फोर्स अपॉन चार्ज, न्यूटन पर कूलम. ई निकालने का तरीका, क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे ई निकालना है, इमेजिनरी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, फोर्स बाय क्यू नॉट, फोर्स क्यू नॉट कैंसल ई का फॉर्मूला. ई के फॉर्मूले में यहां पर कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ क्यू. ई इज ड्यू टू चार्ज क्यू एंड क्यू नॉट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन ई. क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट मेथड नंबर टू, जहां पर आपको ई निकालना है प्लस वन, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो सीधा फॉर्मूला लिख दिया क्यू बाय आर स्क्वायर. तो सा जो मैंने एक्सप्लेन किया सारा लिख दिया, कोई डाउट इसमें? ठीक. क्योंकि ई फोर्स अपॉन चार्ज है तो जो डायरेक्शन एफ की होगी वही डायरेक्शन ई की भी होगी. तो अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो ई भी अट्रैक्टिव है, फोर्स रिपल्सिव है तो ई भी रिपल्सिव है, तो सेम डायरेक्शन होगी. नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मुझे तो एफर्ट करना ही नहीं ना इस चैप्टर में, क्या एफर्ट है मेरा? कोई एफर्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपना एफर्ट तो करके आया हूं ना फोर्थ चैप्टर में. तो इसके अंदर आपको भी कोई ज्यादा एफर्ट करना नहीं है. देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबको आता है. तो क्वेश्चन है, 5 कूलम का चार्ज है, पॉइंट चार्ज इस पे काम करेंगे, पॉइंट चार्जेस पे ही काम होना है इस चैप्टर में. आप कहेंगे अगर शेल रिंग डिस्क आ गई तो कोई टेंशन नहीं, फिर एक महीना करना क्या है, एक महीना आप सिर्फ ई तो स्टडी करना है. सी चैप्टर आपको, बी चैप्टर आपको पॉइंट चार्ज सिखाएगा, सी चैप्टर आपको नॉन पॉइंट चार्जेस पे ई कैसे निकलता है वो सिखाएगा. तो अभी हम पॉइंट चार्ज पे काम कर रहे हैं ना, फिर शेल आएगा, स्फेयर आएगा, उसके लिए सी चैप्टर काम करेगा. तो अभी रिलैक्स, पॉइंट चार्ज पे काम करते हैं. तो आसान है, 5 कूलम का चार्ज है, 1 मीटर दूर ई निकालना है, ये क्वेश्चन है. जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन रखेंगे, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? जहां ई निकालना है वहां पर चार्ज क्या रखा जाएगा? प्लस वन. कोई डाउट इसमें? रख दिया. नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन भी साथ साथ डिस्कस कर लो. एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपने से दूर क्या करेगा? उधर लगाएगा. तो फोर्स की डायरेक्शन कहां है? रिपल्सिव. तो जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन ई की. तो अगर फोर्स रिपल्सिव है तो ई भी रिपल्सिव है. कोई डाउट इसमें? तो अच्छा है ना, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी आ गई तो ई की डायरेक्शन भी आ गई, क्लियर है? तो ई रिपल्सिव राइट की तरफ, ई की डायरेक्शन होगी. वैल्यू क्या होगी? 1/4 πε₀₅ / 1² डन. इससे आसान चैप्टर क्या होगा? ए चैप्टर से भी आसान निकला ये. तो ए चैप्टर में तो फिर भी मुझे धीरे कराना पड़ रहा था. ये देखो, देखो रिपेल कर रहा है, देखो ये फोर्स की. इसमें तो आपको खुद ही पता लग रहा है कि ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, और फॉर्मूला आपने याद कर लिया. चलो फिर करते हैं. जैसे सपोज माइनस ऑफ, जैसे सपोज -3 कूलम चार्ज है, -3 कूलम की वजह से यहां पर ई निकालना है. रूल नंबर वन, जहां ई निकालना है वहां कौन सा चार्ज रखा जाएगा? इमेजिनरी मन में प्लस वन रख दिया. माइनस चार्ज इस प्लस वन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो फोर्स की डायरेक्शन कहां है? इस तरफ. ई की डायरेक्शन भी कहां है? इसी तरफ. डन. ई की डायरेक्शन समझ में आ गई? ओके डन. ई की वैल्यू, ई की वैल्यू में 1/4 πε₀₃/1² ये समझ में आया आप? क्यों? क्यों? फोर्स में क्या निकालते थे? मैग्नीट्यूड. ई में भी क्या निकालेंगे? डायरेक्शन. माइनस लेंगे ही नहीं. तो अगर
हम फॉर्मूला लेंगे किसका, अगर हम फॉर्मूला लेंगे इसमें फोर्स का, सिंपल अगर पूछूं कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स के अंदर साइन लेते ही नहीं, तो जैसे फोर्स के अंदर चार्ज का साइन नहीं लेते, ऐसी ई के अंदर भी साइन नहीं लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। तो माइनस साइन क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से ई अट्रैक्टिव है, और मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, क्यू बाय आर स्क्वायर निकालना आ रहा है। ई पूछो वेक्टर, वेक्टर तब डालना होता है जब मैं वेक्टर फॉर्म अभी करवाऊंगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रहा हूं। आप वेक्टर एरो बोल रहे हो ना, एरो इट्स अ वेक्टर, लेकिन जब सर पे एरो लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है वैल्यू भी बताओ, एक्शन भी बताओ, तो उसमें आई कैप जे कैप लिखना पड़ेगा फिर मेरे को। तो मैं सिर्फ वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ अभी, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन में सिर्फ ये वेक्टर से शो कर रहा हूँ इसकी डायरेक्शन है बस। ठीक, 8 कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है, लो दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस की वजह से यहाँ पे ई निकालो, कहाँ पर, 1 मीटर, इससे 1 मीटर, इससे 3 मीटर, तो ई निकालें। ये देखो जहां पे ई निकालना है, अपने मन में क्या इमेजिन करना है, वहां पर चार्ज कितना पड़ा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव, कितना, +1, कोई डाउट इसमें, तो यहां पर +1 रख दिया। अरे तो फोर्स की प्रॉब्लम बन गई, ई इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर, तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर ई निकालना है तो कौन लगाएगा ई, अच्छा कौन लगाएगा इसके ऊपर फोर्स, आस पड़ोस के चार्जेस, कौन कौन चार्जेस हैं, 8 कूलम एंड 4 कूलम, ये दोनों फोर्स लगाएंगे, ये दोनों ही यहां पर ई भी लगाएंगे। तो कैसे, 8 कूलम इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, ओ रिपेल, प्लस और प्लस रिपेल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 8 कूलम ने +1 को क्या किया, रिपेल। अब हम फोर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां प्लस यूनिट पॉजिटिव है ना, तो ये यहां पे क्या लगाएगा, ई लगाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0(8)/1² क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। अच्छा अब ये बताओ 4 कूलम 1 कूलम को क्या करेगा, किधर करेगा, इधर रिपेल करेगा ना, इधर, तो ई कितनी लग, अब फोर्स नहीं, ई की प्रॉब्लम है, तो ई लगाएगा, तो ई क्या लगाएगा, ई लगाएगा 1/4πε0(4)/3². आपको ये फीलिंग तो नहीं आ रही है, तो पिछला चैप्टर ही चल पड़ा फिर से। हाँ बिल्कुल सही आ रही है, पिछला चैप्टर चल पड़ा, पिछले चैप्टर में उल्टा यहां 10 कूलम 5 कूलम मैं कुछ भी ले लेता था, इसमें तो पक्का ही 1 कूलम है, जहां पर ई निकालना है वहां पर 1 कूलम है, तो इसका मतलब कि 8 कूलम ने यहां पर ई लगाया, 4 कूलम ने यहां पर ई लगाया, दो वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट ई क्या होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस। समझ में आ रहा है यहां तक, सेम ही तो है फोर्स की तरह, तो ये तो उल्टा अच्छा है, अगले टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है, ऐसे तो क्वेश्चन डालने हैं मैंने नेक्स्ट टेस्ट में, ये लोग तो प्रिपरेशन लगा के दिखाओ, और बढ़िया है। ये देखो तो 8 कूलम ने +1 को रिपेल किया, 4 कूलम ने +1 को रिपेल किया, कौन बड़ा इसमें से, 8 बड़ा और ये वाली टर्म छोटी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देने, माइनस कर दिया, कॉमन आ गया, 9 × 10^9 पुट करेंगे यहां पर, आंसर न्यूटन पर कूलम, एंड नेट क्योंकि जो डायरेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर E1 बड़ा है और इसमें E2 छोटा है, तो नेट E जो आएगा वो कहां आएगा, टूवर्ड्स राइट आएगा, राइट का मतलब अलोंग Q2 की तरफ आएगा, तो एंड में लिख देना नेट E कहां पर आएगा, अलोंग Q2। क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है सामय रोहन, रोहन क्लियर है, यस सर, सामय ओके, फिर देखते हैं, -3 कूलम और 5 कूलम, क्वेश्चन है ई निकालो कहां पे, यहां पे, रूल नंबर 1, जहां ई निकालना है
वहां पर चार्ज क्या लेना है, इमेजिनरी प्लस वन। नेट ई निकालना है, कौन लगाएगा यहां पर ई, एक लगाएगा माइनस थ्री कूलम और एक चार्ज कौन लगाएगा, फाइव कूलम। फाइव कूलम प्लस वन को अपने से दूर क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, तो जहां पे ई निकालना है सारे वेक्टर यहीं पे बनेंगे। तो पांच कूलम ने प्लस वन को रिपेल किया, कितनी फोर्स से, कितनी ई की वैल्यू से, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फाइव डिवाइडेड बाय सेवन स्क्वायर, डन। माइनस चार्ज ने प्लस वन को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, कितनी ई की वैल्यू से, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट थ्री डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, थ्री डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? साइन नहीं लेना, इसकी वैल्यू में साइन नहीं लेना, ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे फोर्स की प्रॉब्लम करते थे। तो क्लियर है यहां तक? दोनों ई सेम डायरेक्शन में है, तो नेट ई क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करते हैं, ऐड करके यूनिट्स न्यूटन पर कूलम लगाते हैं और नेट डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ आती है, या तो लेफ्ट लिख दो या अलोंग क्यू वन लिख दो, एक ही बात है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कि नेट ई कैसे निकलेगा इसमें? ठीक, जैसे जैसे नहीं, ये आप ही का क्वेश्चन है, करो कॉपी के अंदर सॉल्व करो। ई निकालना है, नेट ई इस पॉइंट पॉइंट पे निकालना है। देखो इसमें, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला पॉइंट, जहां पे ई निकालना है, आपने यहां लिया प्लस वन, प्लस वन लिया, इस माइनस ने इस प्लस वन को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट। तो ई की वैल्यू कितनी लगाएगा ये, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ओनली फाइव का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? फिर ये माइनस सेवन इस प्लस वन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ई क्या लगाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय फाइव स्क्वायर। क्लियर है? तो दोनों वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट ई की वैल्यू क्या होगी यहां पे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस। तो ई टू बड़ा है, ई वन छोटा है, तो आंसर आएगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सेवन डिवाइडेड बाई फाइव स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लेना, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि नेट आंसर राइट की तरफ है तो लिख देना टूवर्ड्स राइट। जो नेट ई की वैल्यू है वो कहां पर है, टूवर्ड्स राइट। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ठीक है, तो पॉइंट्स को समझ में आ रहा है राइट। नेक्स्ट है, आप इस क्वेश्चन में ई निकाल के दिखाएं प्लीज। इस क्वेश्चन के अंदर नेट ई निकालना है आपको,
करें जरा सॉल्व। फोर्स के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम की थी, ट्राई करें। कंपोनेंट्स बनेंगे इसमें, हाँ ई बनाएंगे टेढ़े, तो कंपोनेंट्स बनेंगे ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। फोर्स के अंदर भी किया था ऐसा, ट्राई करो, कोई बात नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप करो, जहां ई निकालना है वहां प्लस वन रखो, फिर देखो कि कौन किसे रिपेल करेगा और कौन अट्रैक्ट करेगा, उसके हिसाब से करो, ट्राई करो। तो आपने इसमें क्या किया, अपने रूल से चलो प्लीज, कुछ 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 भी मत करो, अपना रूल बनाओ। रूल क्या है, रूल ये है कि आप इसमें ये माने कि जहां पर ई निकालना है वहां पर क्या लिया जाएगा, प्लस वन। ये प्लस, इस प्लस को क्या करेगा, अपने से दूर रिपेल, तो ई वेक्टर या एक ई इस तरफ आ गया, राइट, स्ट्रेट लाइन है वैसे ये, तो ई की वैल्यू क्या होगी, वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 डिवाइडेड बाय, ये 4 है ये 3 है तो ये 5 मीटर है, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है पहला, तो 5 ने प्लस 1 को क्या किया, रिपेल किया, राइट। इस 5 ने भी प्लस 1 को क्या किया, रिपेल किया, कुछ ऐसे। तो सेम वैल्यू सेम, क्योंकि ये भी 5 है वो भी 5 है, तो ये ई तो ये भी ई ही बनेगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर 5 5 3 3 4, ओके, देखो इसमें क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो यहां पर एक कितनी वैल्यू है, 5 कूलम, ये कितना है, 5 कूलम, ये कितना है, 4 मीटर, ये 4 है, 3 है, 3 है क्या, अच्छा 3 है, ओके, कोई बात नहीं, फिर ले लेते हैं। तो इसमें ये जो है ये 3 मीटर, 3 मीटर और 5 कूलम, ठीक है, और ये कितने हैं, 4 मीटर, ठीक है, जहां ई निकालना है वहां प्लस वन। तो मैं ये कह रहा था कि इस 5 कूलम ने इस प्लस वन को क्या किया, रिपेल किया, ठीक हो गया, इस 5 कूलम ने प्लस वन को क्या किया, रिपेल किया, ये भी क्लियर है, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू है ये ई लगाएगा, ये भी ई लगाएगा, और E की वैल्यू दोनों की एग्जैक्टली सेम होगी, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, राइट, क्लियर है। अब एक काम करते हैं इसमें, इसमें जैसे ये y एक्सिस है, ठीक है, एंड इसमें लेट अस सपोज ये x एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक, तो इसके अंदर हम इमेजिन करते हैं कि सपोज करो ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा, ये भी कितना है, थीटा, क्लियर है। तो अगर ये थीटा है तो ऐसा करें, इसमें ये जो वैल्यू है चाहे तो ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कितना है, थीटा बाय अल्टरनेट एंगल, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, ये थीटा तो ये थीटा भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, सही चलेगा, ऐसे ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये भी क्लियर है, कैसे मर्जी कर लो, मैथ्स है। इस ई के तो कंपोनेंट बनेंगे, पहला कंपोनेंट ई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट ई
साइन थीटा। सिमिलरली इस ई के भी दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, ई कॉस थीटा, इस तरफ ई साइन थीटा। ये कॉम्पोनेंट इस कॉम्पोनेंट को क्या कर गया, कैंसल। तो नेट जो ई की वैल्यू है वो क्या आएगी, टू ई साइन थीटा। तो टू इन टू ई की वैल्यू 1/4πε₀, 5/5² इन टू साइन थीटा, किसी मर्जी ट्राइंगल से ले लो, क्या आएगा, 4/5। तो 4/5 न्यूटन पर कूलम, एंड डायरेक्शन कहां पर है, अपवर्ड्स, आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कैसे करना है, क्लियर है, ठीक। फिर से इसने से रिपेल किया, इसने से रिपेल किया, ये थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, ई का पहला कॉम्पोनेंट ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, इसका ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसल, टू ई साइन थीटा, ई तो पता ही था, साइन थीटा ट्राइंगल से पुट कर लिया आंसर। तो अब पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, तो ये तो बिल्कुल फोर्स की कॉपी है, फोर्स में तो उल्टा दो चार्ज थे, इसमें तो चार्ज भी एक ही है, दूसरा तो है ही प्लस वन, फोर्स से भी इजी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। ओके, ई निकालो, इस क्वेश्चन में ई निकालो, जहां ई निकालना है प्लस वन बनाओ, प्लस वन रखो, वेक्टर ड्रॉ करो, नेट ई निकालो। देखो इसके अंदर 5 और -5, वहां ई निकालना है, जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन, माइनस ने प्लस को, सारे वेक्टर कहां ड्रॉ करने हैं, प्लस वन पे, माइनस ने प्लस को क्या किया, अट्रैक्ट। तो ये लो, ये अट्रैक्ट किया, कितनी वैल्यू के साथ अट्रैक्ट किया, 1/e की वैल्यू 1/4πε₀, 5/5, अब ये 7 है, ये 3 है, तो ये कितना हुआ, 4 मीटर। देखो ना, ये 7 है और ये 3 है, तो बचा कितना, 4 मीटर। क्या ये स्टेप क्लियर है, ठीक है। और उसी तरीके से प्लस, इस प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव पे ई लगाएगा, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो ई की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε₀, 5/5, ये टोटल 6 मीटर और 4 मीटर कितना हुआ, ऐसे कर लो, 7 मीटर और 3 मीटर कितना हुआ, 10, तो डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। तो एक वेक्टर लेफ्ट है, एक वेक्टर राइट है, क्या स्टेप क्लियर है। तो नेट वैल्यू क्या होगी, बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस, तो ये जो मुझे लग रहा है ये छोटा लग रहा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और ये मुझे बड़ा लग रहा है, तो नेट ई की वैल्यू जो होगी
विल बी इक्वल टू ई माइनस ई डैश, कर लोगे माइनस आंसर। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है। आप ये तो नहीं पूछेंगे सर इस प्लस ने माइनस पांच को अट्रैक्ट किया, हाँ तो किया, पूछ कौन रहा है लेकिन किसने किसको क्या किया। हमने तो ई जहां निकालना है सारे वेक्टर वहीं ड्रॉ करने हैं, तो हमने यहाँ प्लस वन रखा, इसके आस पड़ोस के चार्जेस ने जो भी इस पे ई लगाया हमने लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। इन्होंने आपस में क्या किया, पांच माइनस पांच, वो क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ठीक है।